फर्स्ट फ्लोर पर दिखाने आ रही हैं अपने डांस का दम, और वो कोई और नहीं, उनका नाम है राधिका मदन। Am I right? डांस के फ्लोर पर आप अपना दम दिखाने के लिए आ रही हैं राधिका, एकदम डिफरेंट अवतार में नजर आ रही हैं। काफ़ी तैयारियां लगता है कर ली हैं आपने? तैयारी तो अभी कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम करके बैठे हैं, आने दो भाई ऐसे कुछ नहीं है, बट लाइक वी आर वर्किंग रियली हार्ड एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द होल जर्नी, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। राधिका, सबसे पहले तो मैं अगर डांस की बात नहीं करूँगी, मैं आपके लुक की बात करूँगी, एकदम डिफरेंट अवतार में नजर आ रही हैं। टेली मसाला के दर्शकों के लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग होगा कि राधिका मदन को वो एकदम मॉडर्न अवतार में देख रहे हैं, तो अचानक से ये चेंज? अचानक से ये चेंज, ओके, दिस इज राधिका, दैट इज ईशानी, तो आपको साड़ी के अंदर बिंदी, दैट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल लुक, दैट्स एन अमेजिंग लुक, बट वो ईशानी का लुक है, नाउ यू विल सी डिफरेंट, लाइक एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ ईशानी, which is Radhika. So I just hope that you love her as well and accept her as beautifully as you accept this. Radhika, आप मेरी आशिकी के साथ साथ आप झलक भी कर रही हैं, तो ये difficult है आपके लिए, किस तरह से आप manage कर रही हैं? It is very very tough for me to be very honest. बहुत अपने आप को समझाना होता है कि अगर आप 12 से 14 घंटा शूट कर रहे हैं, उसके बाद आपको इतना ट्रैवल कर रहे हैं, देन रिहर्सल कर रहे हैं, देन ट्रैवल बैक करके आना है, उसके लिए मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड आपको प्रायोरिटीज़ पता होने चाहिए आपकी, लाइक मेरी आशिकी हैज़ मेड मी हुआ है एंड झलक इज समथिंग विच इज़ माई ड्रीम, सो आई कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन बोथ, तो उसी थॉट प्रोसेस के साथ मुझे हर सुबह शूट के लिए भी जाना होता है और उसी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ शूट करना होता है एंड अपनी ड्रीम के बारे में सोच के मुझे सेम कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ वापस रिहर्सल पे जाना है। और इस बार सिर्फ आप ही मेहनत नहीं कर रही हैं, आपके कोरियोग्राफर जो हैं वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग है राधिका को डांस करवाना, क्योंकि वो दो दो चीज़ एक साथ में मैनेज कर रही हैं? मेरे लिए चैलेंजिंग ये नहीं है क्योंकि उसको डांस बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अगर कुछ बोलता कि राधिका एक स्टेप्स कर लेते हैं, एक की जगह पर दो स्टेप्स हो जाते हैं, सो मुझे ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं कि यार थक गई है ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं 12 घंटे का शूट करके आई, नहीं, 12 घंटे के शूट के बाद भी बहुत ज़्यादा एनर्जी बचा रहता है कि वो मुझे 12 घंटा नचा सकती है, सो शी इज पावर हाउस बड़ा वाला, तो उसको कुछ मुझे कुछ भी परेशानी नहीं होती कि हम कि मुझे 50% मिल रहा है मेरे डांस के लिए और शूट पे 100% दे रही है, वहाँ पे 100 दे रही है, यहाँ पे 200 दे रही है, सो आई एम हैप्पी। राधिका, इस शो का जो लेवल है इस बार काफ़ी बढ़ चुका है, जजेस जो हैं वो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है इस बार कंटेस्टेंट्स को जज करना, तो इस बार जो जज करेंगे वो काफ़ी टफ होगा, तो वो आप लोगों के लिए कितना टफ है? लाइक दिस सीजन आई बी वेरी ब्लंट एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स गोना बी द टफेस्ट सीजन ऑफ झलक दिखलाजा, एंड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द कंटेस्टेंट्स, इन टर्म्स ऑफ द जजिंग ऑल्सो, बिकॉज अर्लियर आपको सिर्फ 3 जज मिलते थे जो देखते थे, बट इस बार आपको प्रॉपरली क्लासीफाई किया गया है कि जैसे आपका स्वैग देखने के लिए आप करण एंड शायद आर गोना बी देयर, आपकी टेक्निक देखने के लिए लॉरेन एंड गणेश आर गोना बी देयर, सो आप किसी भी चीज़ से बच नहीं सकते, आपको अपना 100% दिखाना होगा, आप ऐसे नहीं कर सकते कि अरे यार 50% देख तो लिया मैंने, आप इतना तो अच्छे एक्सप्रेशन दिए, टेक्निक आपकी देखी जा रही है, आपको सुनना है नहीं, सुनो कान बंद कर लो, वो आपको बताने वाले कि आपकी टेक्निक में गलती थी, तो आई थिंक इसी की वजह से डांसिंग भी बहुत बेटर देखने को मिलेगी, इट्स गोना सी डांसिंग ऑन एन इंटरनेशनल लेवल आई थिंक, एंड द कॉम्पिटिशन इज रियली टफ, एवरीवन इज अमेजिंग, एवरीवन। राधिका, हम जजेस की बात कर रहे हैं, तो जजेस में जब भी झलक की बात होती है हमेशा माधुरी का नाम जरूर लिया जाता है, तो इस बार माधुरी जी नहीं है, तो उन्हें आप मिस करने वाली हैं? मैं बहुत मिस करने वाली हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने केम है टू प्रमोट मेरी आशिकी, मैं माधुरी मैम थी एंड आई अंदर ही अंदर आई डिसाइडेड दैट यू नो नेक्स्ट ईयर आई एम गोना बी हियर एंड दिस टाइम शी इज नॉट हियर, बट आई फील रियली सैड ऑल्सो बिकॉज शी इज एन अमेजिंग इंस्पिरेशन, शी इज एन अमेजिंग डांसर, आई लव हर एक्सप्रेशंस, but to compensate Shahid is there which is not bad at all and he's also an amazing dancer as we all know and an amazing person as well, very sweet, so yeah, a good compensation I'll say, very good compensation. So in judges mein se aisa koi favorite judge hai jise aap specially impress karna chahe? Shahid and Karan actually. And Lauren also, and Ganesh also. Everyone is really good. Everyone is really good, but yeah, Shahid ko I think I'll.
I'll give an extra. Radhika, ये शो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी लकी है क्योंकि पहले से ही मेरी आशिकी के पहले से ही आपको डांस बहुत ज़्यादा पसंद था एंड आखिरकार मेरी आशिकी के बाद आपको झलक पे डांस करने का मौका मिल ही गया है तो इस मौके को इस चांस को आप क्या कहना चाहेंगे? Like I think it's destiny only. Meri Aashiqui was destiny for me, and I think it is the best thing that has happened to me. Like main dance seekhti thi, and main chahti thi ki main professionally trained hu, and main bahar ja rahi thi seekhne ke liye. And at that time only destiny played its part, and I got Meri Aashiqui. And wo ek sapna jo adhura sapna tha, wo reh gaya tha. And I think ek saal ke baad ya ek saal ke baad, jab mujhe yehi mauka वापस मिला मेरी डांस को प्रोफेशनली सीखने के लिए तो मैंने एक मिनट के लिए भी मैंने ऐसे नहीं सोचा कि यू नो मैं बाद में बताऊंगी आपको सोच के मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट सो आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड आई फील रियली थैंकफुल तो आपके डांस की इतनी बात की जा रही है तो मेरे पास ये प्यारा सा प्रॉप है और मैं चाहूँगी कि राधिका अपना कोई फेवरेट स्टेप इसके साथ में पहली मसाला के दर्शकों के लिए करें दोनों मुझे कुछ ईजी नहीं लगता दोनों अपने अपनी अपनी जगह इक्वली टफ है तो लेट्स सी अभी ज़्यादा ज़्यादा अपने टेली मसाला के दर्शकों को टेली मसाला के दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो सपोर्टिव एंड सो लविंग एंड आई जस्ट होप कि मैं आपको हमेशा इसी तरह एंटरटेन करती रहूँ और आप मुझे इतना ही प्यार बांटते रहे या दैट्स इट थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर लविंग चलिए ऑल द बेस्ट राधिका हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से दर्शकों ने आपकी एक्टिंग को पसंद की है आपके डांस को भी वो इसी तरह से पसंद करें आपको वोट करें थैंक यू सो मच कैमरामैन फैजान के साथ पूजा तिवारी टेली मसाला मुंबई